तू अमीर बनेगा, किताब खरीदने से तू गरीब बनेगा, पढ़ने से तू अमीर बनेगा और किताबी बातों को मानने से तू रईस बनेगा। डिसाइड तुझे करना है किताबों में पढ़ना है या उनकी बातों को मानना है कि नहीं मानना है। और उसके बावजूद बातों को मैंने मानना शुरू किया, लगातार मेहनत किया, नेटवर्क भी दोस्तों मेरा तैयार होता गया और विजुअलाइजेशन की पावर मुझे पता चला। एक डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया की मैंने प्रेरणा का झरना एक मैंने वीडियो खरीदा था मार्केट से, उस वीडियो को सुनने के बाद मुझे पता चला कि विजुअलाइजेशन अपने आप में कितनी बड़ी ताकत है। कोई टारगेट जो लक्ष्य हम अपनी नजरों के सामने रखते हैं, उस लक्ष्य अगर आप लगातार अट्रैक्ट करते रहते हैं तो डेफिनेटली वो धीरे धीरे जाने अनजाने में आपकी तरफ आना शुरू हो जाता है। दोस्तों चॉइस का मोबाइल इस बिजनेस से मैंने अपने कमरे के अंदर और दीवार के ऊपर लगाया और अटैक करता था, मैं उसको विजुलाइज करता था कि यस ये मेरे पास आएगा। और आप पावर ऑफ पावर जानेंगे विजुलाइजेशन की, एक आकर्षण का नियम वहां पे मेरे समझ आया था और चॉइस का मोबाइल आज मेरे पास है। चॉइस का लैपटॉप मैंने लगाया, आज चॉइस का लैपटॉप मेरे पास है। चॉइस की बाइक का मैंने टारगेट लगाया, चॉइस की बाइक आज मेरे पास है। और कभी भी इस काम को मैंने करने की नहीं छोड़ी, करने के बारे में छोड़ने के बारे में मैंने कभी भी नहीं सोचा कि इस काम को मैं छोड़ू। लगातार मैं करता गया और लगातार कम करते करते गए दोस्तों, मैं लगातार मेरी सफलताएं दुनिया रेफरी बनके मेरी सफलताओं को काउंट करती गई और मैं सफल हो गया। आप भी चाहते हैं लेकिन उसके लिए लगातार रेगुलर आपको चलना पड़ेगा। बताओ मुझे चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें आपके साथ भी आएंगी, उससे कभी घबराना मत, चिंता नहीं करना। और अगले दिन की तैयारी में पहले दिन करके निकलता था, कल मुझे किस आदमी से मिलना है उसकी प्रिपरेशन में पहले दिन करता था, क्योंकि गुरुजी ने बताया था, सिस्टम ने बताया था कि कल जो हमें आसान दिखाई देता है वो डेफिनेटली आसान हो जाएगा अगर कल की तैयारी आज कर ली जाए। क्योंकि प्यास लगने पे दोस्त कभी कुआं नहीं खोद पाएंगे, प्यास लगने से पहले कुआं खोदा जाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? सच बात है कि नहीं है? तो कल की मैंने तैयारी आज करी, लगातार मेहनत करता गया। पहली कार मैंने हुंडई एसेंट यहां से खरीदी, दूसरी कार मैंने i20 खरीदी और तीसरी कार का एक सपना पूरा ऐसा हो गया सोच नहीं सकता था। एक फ्रेंड के साथ मूवी देख रहा था मैं और छल्ले वाली कार आई उसमें, मैंने उसको बोला यार ये कार तो लेनी चाहिए, तो बोलता ये ओडी है, अपने लिए नहीं है, ये बड़े लोगों के लिए है। तो मुझे लगा शायद 7-8 फीट के होते हैं उनके लिए होगी। तो मैंने बोला बड़ा कौन, जो फर्श पे खड़ा खड़ा छत का पंखा खोल ले उनके लिए होती है क्या? बोले नहीं बेवकूफ, ये पैसे वालों के लिए होती है, पैसे वालों के लिए होती है। आई डोंट नो उस टाइम पे क्या बात मेरे मुंह से निकली, एक बात मैंने वहां पे कमिटमेंट किया कि साला क्या बात कर दी पैसे की तूने यार, ये ऑडी मैं जरूर खरीद के दिखाऊंगा। दोस्तों मुझे नहीं पता था मेरा रास्ता कहां जाएगा, मुझे नहीं पता था मैं कौन से ट्रैक पे जाऊंगा, लेकिन लाख लाख धन्यवाद देता हूं वारे कंपनी, लाख लाख धन्यवाद देता हूं गुरु लोगों का, एक पैदल से शुरुआत की थी और आज ऑडी आप देख रहे हैं, ऑडी के अंदर पहुंचा दे इस बिजनेस में। थैंक यू सो मच। सपना होता था विदेश जाऊं मैं, तो दोस्तों लाख लाख धन्यवाद देना चाहता हूं इस कंपनी का, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 5 बार ओवरसीज ट्रिप कर चुका हूं इस बिजनेस की वजह से। ये है ये बिजनेस। उसके बावजूद बात आई मकान लेने की, तो सर लोगों ने सबसे पहले अपने अचीवमेंट पूरे किए और साथ साथ मैं भी पीछे पीछे चलते गए और मैंने टारगेट लगाया कि सर मैं NCR के अंदर अपना मकान बढ़ाऊंगा, NCR के अंदर मैं अपना घर बनाऊंगा, दिल्ली गुड़गांव के अंदर मैं अपना मकान बढ़ाऊंगा। तो दोस्तों आज खुशी है बताते हुए और गर्व होता है, प्राउड फील होता है इस कंपनी के ऊपर और प्राउड फील होता है सिस्टम के ऊपर, जिसकी वजह से आज मैं अपने गुड़गांव आलीशान मकान के अंदर मैं रहता हूं, चॉइस का मकान है। थैंक यू वेरी मच। तालियां कम बजी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हर आदमी 4-5 करोड़ का मकान लेके बैठा है यहाँ पे, जोरदार बजाओ, कम ऑन। थैंक यू सो मच। तो बताइए मुझे, आप भी ऑडी चाहते हैं? yes! आप भी चॉइस का मकान चाहते हैं? yes! आप भी चॉइस की जिंदगी चाहते हैं? yes! आप भी चॉइस के होटल में रुकना चाहते हैं? yes! ऊपर हाथ करके बोलो वो ऐसे नहीं चाहते हैं। yes! उसके लिए आज निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त सफलता संयोग से नहीं हमेशा चुनाव से मिलती है। चुनाव आपका है, या तो आप हाँ बोल सकते हैं या आप ना बोल सकते हैं। अगर मैं ना बोलता तो हो सकता 25-30 हजार रुपए के अंदर कहीं चौक घिस रहा होता, लेकिन मैंने निर्णय लिया, आई टुक द डिसीजन और आज मैं आपके सामने हूं। और अगर आज आप ये निर्णय लेके जाते हैं कि यस, जब पवन यादव बन सकता है, जब राजवंश नागल बन सकता है, जब शहजाद हुसैन बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता? यस और नो, उसका निर्णय लेना पड़ेगा। कितने लोग लेने के लिए तैयार हैं? कितने लोग लेने के लिए तैयार हैं?
मुट्ठी बांध के कहिए कि यस मैं डायमंड बन के दिखाऊंगा। और अगर आप लगातार, क्योंकि सच्चा योद्धा वो है जो मन में ठानता है, क्योंकि दुनिया की कोई भी जंग, कोई भी युद्ध और कोई भी लक्ष्य सबसे पहले मन में ठाना जाता है, उसके बाद मैदान में जीता जाता है। तो क्या बताइए मुझे, क्या मन में ठानने के लिए तैयार है? क्या डायमंड सिर्फ मन में ठानने के लिए तैयार है? काम को छोड़ के तो नहीं जाएंगे? तो सच्चे विजेता की पहचान उससे होती है कि आप कितनी मेहनत, कितनी लगन और कितनी वफादारी के साथ आप काम करते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूं और लाख 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 बधाई आपको आपके डायमंड शिप के लिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड डायमंड।